जय हो भोलेनाथ बाबा की जय। आज है हरतालका तीज की हार्दिक शुभकामनाएं गाई जाए। आज मैं आप लोगों को भोलेनाथ बाबा और गौरा पार्वती मैया की कथा सुनाने चल रही हूँ, हरतालका तीज की कथा सुनाने चल रही हूँ। अगर हमारी कथा अच्छी लगे तो आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब शेयर कमेंट करिएगा। जय हो भोलेनाथ बाबा की जय। आइए हम आपको कथा सुनाते हैं। हरतालका तीज का यह प्रसिद्ध व्रत भादो मास के शुक्ल पक्ष में तृतीया को किया जाता है। तृतीया तिथि को किए जाने के कारण स्त्रियों में यह व्रत अधिकतर तीजों के नाम से जाना जाता है। कुमारी लड़कियों में यह व्रत इच्छा वर पाने की आशा से विवाह की स्त्रियां सुहाग की रक्षा पद की शुभ कामना करके करती है। प्राचीन काल से चल रही मान्यता है कि इस व्रत को करने वाली स्त्रियां पार्वती के समान सुख पूर्वक जीवन यापन करके शिवलोक को प्राप्त होती हैं। हरतालका तीज का व्रत एवं विधान, व्रत करने वाला व्यक्ति सूर्योदय के पहले उठे और भगवान शंकर जी का स्मरण करे, फिर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर शिवालय में जाए। वहाँ पूजा करना हो, कथा पढ़नी हो अथवा सुननी हो, यदि हो सके तो शिव मंदिर में शिव पार्वती पूजन के लिए केले के बंदरगाह इत्यादि अनेक पुष्प मालाओं से सुजित एक मंडप तैयार कर ले। सुहाग चाहने वाली स्त्रियों को शंकर पार्वती की बालू की रेत की प्रतिमा बनाकर इसे मंडप में स्थापित कर पूजा करनी चाहिए। पूजा में शिव पार्वती से संबंधित कोई भी स्तोत्र अथवा शिव सालसा का पाठ कर सकते हैं। तत्पश्चात एकाग्र चित्त से नीचे लिखी कथा को पढ़ें। जिनके दिव्य केशों का मांदर आग के पुष्पों की माला शोभा देती है, जिस भगवान शंकर के मस्तक पर चंद और कंठ में मुंडों की माला पड़ी हुई है, जो माता पार्वती दिव्य वस्त्रों से भगवान शंकर दिगंबर भेष धारण किए हैं, उन दोनों भावनी शंकर को नमस्कार करती हूँ। कैलाश पर्वत के सुंदर शिखर पर माता पार्वती जी ने महादेव देव से पूछा, हे महेश्वर, मुझसे आप वह गुप्त से गुप्त वार्ता कहिए जो सबके लिए सब धर्मों से सरल तथा महान फल देने वाली हो। हे नाथ, यदि आप भली बात प्रसन्न है तो उसे मेरे सम्मुख प्रकट कीजिए। हे जगतनाथ, आप यदि मध्य और अंत रहित आपकी माया का कोई पार नहीं है तो आपको मैंने किस प्रकार से प्राप्त किया है? कौन से व्रत तप या दान से पुण्य से आप मुझको वर के रूप में मिले हो? श्री महादेव जी देव जी बोले, हे देवी, यह सुन मैं तेरे सम्मुख उस व्रत को कहता हूँ जो परम गुप्त, जैसे तारागणों में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में श्याम, इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है, वैसे ही पुराण और वेदों में इनका वर्णन आता है, जिनके प्रभाव से तुमको मेरा आधा आसन प्राप्त हुआ है। हे प्रिय, उसी को मैं तुमसे वर्णन करता हूँ। सुनो, भादो मास के शुक्ल पक्ष की हस नक्षत्र संयुक्त तृतीया तीज के दिन इस व्रत का अनुष्ठान मात्र करने से सब पापों का नाश हो जाता है। तुमसे पहले शिवालय पर्वत पर इस महान व्रत को किया था जो मैं तुम्हें सुनाता हूँ। पार्वती जी बोली, हे प्रभु, इस व्रत को मैंने किस लिए किया था यह मुझे सुनने की इच्छा है, सो कृपया करके कहिए। शंकर जी बोले, आर्यवत, हिमालय नामक एक महान पर्वत है जहाँ अनेक प्रकार की भूमि, अनेक प्रकार के बिच्छों से सुशोभित, जो सदैव भर्म से ढके हुए तथा गंगा की काल काल ध्वन से शब्दमान रहता है। हे पार्वती जी, तुमने बाल काल में उसी स्थान पर परम तप किया था और 12 वर्ष तक के महीने में जल में रहकर वैशाख मास में अग्नि प्रवेश करके तप किया था। श्रावण मास महीने में बाहर में खुले में निवास कर अन्य त्याग कर तप करती रही। तुम्हारे उस कष्ट को देखकर तुम्हारे पिता को बड़ी चिंता हुई। वह चिंतातुर होकर सोचने लगे, मैं इस कन्या की शादी किससे करूं? इस अवसर पर देव योग से ब्रह्मा जी पुत्र नारद जी वहां आए और देवर्षि नारद ने तुम्हें शैल पुत्री को देखा। तुम्हारे हिमालय ने देवर्षि को अर्धपाद आसन देकर सम्मान सहित बिठाया और कहा, हे मुनीश्वर, आपने यहाँ तक आने का कैसे कष्ट किया है? कहिए क्या आज्ञा है? नारद जी बोले, हे गिरिराज, मैं विष्णु भगवान का भेजा हुआ हूँ, यहाँ आया हूँ, तो मेरी बात सुनो और अपनी कन्या को उत्तम वर को दान करें। ब्रह्मा इंद्र शिव आदि देवताओं में विष्णु भगवान के समान कोई भी उत्तम नहीं है, इसलिए मेरे मत से आप अपनी कन्या का दान भगवान विष्णु को ही दें। हिमालय बोले, यदि भगवान वासुदेव स्वयं ही कन्या को ग्रहण करना चाहते हैं और इस कार्य के लिए आपका आगमन हुआ है तो मेरे लिए गौरव की बात है, मैं अवश्य ही उन्हें दूंगा। हिमालय का यह आश्वासन सुनते ही देवर्षि नारद जी आकाश में अंतर्ध्याय हो गए और शंख चक्र गदा पद्म एवं पीताम्बरधारी भगवान विष्णु के पास पहुंचे। नारद जी ने हाथ जोड़कर भगवान विष्णु से कहा, प्रभु, आपका विवाह कार्य निश्चित हो गया है। इधर हिमालय ने पार्वती जी से प्रसन्नता पूर्वक कहा, हे पुत्री, मैंने तुमको गणोदय भगवान विष्णु को अर्पण कर दिया है। पिता के इन वाक्यों को सुनते ही पार्वती जी अपनी सहेली के घर गए और पृथ्वी पर गिरकर अत्यंत दुखी होकर विलाप करने लगी। उनके विलाप को देखकर सखी बोली, हे देवी, तुम किस कारण से दुखी हो, मुझे बताओ, मैं अवश्य तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगी। पार्वती बोली, हे सखी, सुन, मेरी
मन में जो अभिलाषा है सुनाती हूँ। श्री महादेव जी देव को वरण करना चाहती हूँ। मेरे इस कार्य में पिताजी ने बिगाड़ना चाहा है, इसलिए मैं निस्संदेह इस शरीर का त्याग करूंगी। पार्वती जी के वचनों को सुनकर सखी ने कहा, हे देवी, जिस वन को तुम्हारे पिताजी ने नहीं देखा, जो वहाँ चली जाओ। तब हे देवी पार्वती, तुम अपनी सखी का यह वचन सुन ऐसे ही वन को चली गई। पिता हिमालय ने तुमको घर पर ना पाकर सोचा कि मेरी पुत्री को कोई देवदानव किन्नर हरण कर ले गया है। मैंने नारद जी को वचन में कहा था कि पुत्री का वरण भगवान के साथ वरण करूंगा। हाँ, यह कैसे पूरा होगा? ऐसा सोचकर बहुत चिंता तुर होकर मूर्छित होकर गिर पड़े। सब लोग हाहाकार करते हुए दौड़े। मूर्छा दूर होने पर गिरिराज से बोले, हमें आप कोई मूर्छा का कारण बताओ। हिमालय बोले, मेरे दुख का कोई कारण नहीं है। मेरी रत्न रूपी कन्या को कोई हरण ले गया है, या सर्प डस गया है, किसी सिंह या बाघ ने मार डाला है, वह ना जाने कहाँ चली गई है, उसे राक्षस ने मार डाला है। इस प्रकार कहकर गिरिराज दुखित होकर ऐसे कांपने लगे जैसे तीज वायु के चलने पर कोई वृक्ष कांपना है। तत्पश्चात, हे पार्वती, तुम्हें गिरिराज साथियों द्वारा घने जंगल में ढूंढने निकले सिंह व्याघ्र रीछ आदि हिंसक जंतुओं के कारण मन महाभयानक प्रतीत होता था। तुम भी सखी के साथ भयानक जंगल में घूमती हुई वन में एक नदी के तट पर गुफा में पहुंची। उस गुफा में तुम अपनी सखी के साथ प्रवेश कर गई, जहाँ तुम अन्य जल का त्याग करके बालू का लिंग बनाकर मेरी आराधना करती रही। उस समय भाद्रपद मास की अहस्त्र नक्षत्र तृतीया के दिन तुमने मेरा विधि विधान से पूजन किया तथा रात्र को गीत गायन करते हुए जागरण किया। तुमने उस महाव्रत के प्रभाव से मेरा आसन डोलने लगा। मैं उसी स्थान पर आ गया जहाँ तुम और तुम्हारी सखी दोनों थी। मैंने आकर तुमसे कहा, हे विदायनी, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम मेरी वरदान मांगो, मुझसे वरदान मांगो। तब तुमने कहा, हे देव, यदि आप मुझसे प्रसन्न हो तो आप महादेव देव जी ही मेरे पति हो। मैं तथास्तु ऐसा कहकर कैलाश पर्वत को चला गया और तुमने प्रभात होते मेरी उस बालू की प्रतिमा को नदी में विसर्जित कर दिया। हे सुबह, तुमने अपनी सखी सहित व्रत का प्राणायाम किया। इतने में तुम्हारे पिता हिमवान भी तुम्हें ढूंढते ढूंढते उसी घने वन में आ पहुंचे। उस समय उन्होंने नदी के तट पर दो कन्याओं को देखा तो तुम्हारे पास आ गए और हृदय से लगाकर रोने लगे। बोले, बेटी, तुम इस सिंह व्याघ्राद युक्त घने जंगल में क्यों चली आई हो? तुमने कहा कि पिता, मैं पहले से ही अपना शरीर शंकर जी को समर्पित कर दिया है, किंतु आपने इसके विपरीत कार्य किया, इसलिए मैं वन को चली आई। ऐसा सुनकर हिम्मत ने कहा, मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध यह कार्य नहीं करूंगा। तब से तुम लेकर घर को आए, तुम्हारा विवाह मेरे साथ कर दिया। हे प्रिय, उस व्रत के प्रभाव से तुमको मेरा अर्धासन प्राप्त हुआ है। इस व्रत राज को मैंने अभी तक किसी के सम्मुख वर्णन नहीं किया था। हे देवी, अब मैं तुम्हें यह बताता हूँ, व्रत का नाम क्यों पड़ा। तुमको सखी हरण करके ले गई थी, इसलिए हर ताल का तीज का नाम पड़ा। पार्वती जी बोली, हे स्वामी, आपने इस व्रतराज का नाम तो बता दिया, किंतु मुझे इस विधि का फल भी बताइए। इसके करने से फल की प्राप्त होती है। तब भगवान जी बोले, इस स्त्री जात के उत्तम व्रत की विधि सुनिए। और सौभाग्य की इच्छा रखने वाली स्त्रियां इस व्रत को विधि पूर्वक केले के खंभों से मंडप बनाकर उसे बंदाग्राहों से सुशोभित करें। उसे विविध रंगों से उत्तम रेशमी वस्त्र की चादरी ऊपर तान दें। चंदन और सुगंधित द्रव्यों को लेपन करके स्त्रियां एकत्र होकर शंख मृदंग बजावें। विधि पूर्वक मंगलचार करके श्री गौरी शंकर की बालू निर्मित प्रतिमा स्थापित करें। फिर भगवान शिव पार्वती का गंध धूप आदि से पूजन करें। उनका नैवेद्य का भोग लगाएं। रात को जागरण करें। नारियल सुपारी जौ नींबू लौंग अनार नारंगी आदि फलों से एकत्रित करके धूप दीप नैवेद्य से पूजन करके कहें, हे कल्याण स्वरूप शिव मंगल स्वरूप, हे शिव मंगल स्वरूप महेश्वरी, हे शिवे सब कामनाओं को देने वाली देवी, कल्याण रूप तुम्हें नमस्कार है, कल्याण स्वरूप माता पार्वती तुम्हें नमस्कार है, भगवान शंकर जी को सदैव नमस्कार है, हे ब्रह्म रूपी जगत का पालन करने वाली माँ आपको नमस्कार है, हे सिंहवासिनी में सांसारिक भय से व्याकुल तुम मेरी रक्षा करो, हे महेश्वरी मैंने इसी अभिलाषा से आपका पूजन किया, हे पार्वती माता आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो और मुझे सुख सौभाग्य प्रदान कीजिए। इस प्रकार के शब्दों द्वारा उमा सहित शंकर जी का पूजन करें। विधि पूर्वक कथा सुनकर गौ वस्त्र आभूषण ब्राह्मणों को दान करें। इस प्रकार से व्रत करने वाले के सब पाप कष्ट हो जाते हैं। जय भोलेनाथ बाबा की जय। कथा समाप्त। जय माता।